वर्ल्ड में किसी भी देश के इतिहास के अध्ययन अगर आप करेंगे तो कोई भी रिवॉल्यूशन, कोई भी क्रांति, ये करने वालों की संख्या बड़ी नहीं होती। ये जो रिवॉल्यूशन करने वालों की संख्या जो होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अक्सर पब्लिक लाइफ में एक समस्या खड़ी होती है कि वेदर यू वॉन्ट टू लीड द पीपल और लीड बाय द पीपल। तो जो लोग जनता को नेतृत्व देते हैं वही कुछ ना कुछ जीवन में हासिल भी करते हैं, देश के लिए भी करते हैं और कुछ करके दिखाते भी हैं। तो ये जो मैनेजमेंट में जो लीडरशिप है वो देश में ऐसी लीडरशिप है कि आने वाले इतिहास में देश में अगर कोई आर्थिक क्रांति होगी और आर्थिक क्रांति करने के अगर कोई सही में करने वाले लोग कोई होंगे तो वो मैनेजमेंट के, एंटरप्राइजेस के, इनोवेशन के, रिसर्च के आधार पर काम करने वाले, नई इंडिया को बनाने वाले जो लोग होंगे उनमें से आप सब लोग हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उससे भी इम्पोर्टेंट कोई चीज है तो इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्राइजेस, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बात कहना चाहूँ, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूं ना मैं IIT ग्रेजुएट हूं, पर देश में लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूं। जो कॉन्क्रीट में काम हुआ है उसमें गिनीज बुक ऑफ इंडियन रिकॉर्ड में है, वो मेरे नाम पर जमा है। ये जो आप कभी मुंबई में, मैं 95-2000 में मंत्री था तो 55 फ्लाईओवर्स और जो समुन्द्र में बरली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का मुझे मौका मिला, तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से लोगों को लगता है कि मैं बहुत सिविल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट हूँ। अभी भी मैं बहुत, उससे भी 10 गुना बड़े काम कर रहा हूँ, तो लोगों को लगता है ये बहुत एक्सपर्ट है, पर मैं सच बताता हूँ मुझे सिविल इंजीनियरिंग का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं अपने घर में, हमारे यहाँ वैसे इंदौर का ओल्ड एरिया होता है, मेरा नागपुर में ओल्ड एरिया में घर है, राजा का वाड़ा है और बाजू में मैं थोड़ा परिवार से भी संबंधित हूँ, मेरे ग्रैंडफादर हूँ, तो एक्सपर्ट हूँ इसकी आवश्यकता नहीं है। आपको कहूँगा कि मैं लॉ कॉलेज में था तो जो मेरिट में पास हुए वो अच्छे वकील साबित नहीं हुए, और जो 2-3 बार चक्कर काट काट के पास हो गए वो एक बार हिंदुस्तान के नामी वकीलों में उनका नाम चला गया। नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट, एक्सपीरियंस इज इम्पॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट, विजन इज इम्पॉर्टेंट, और इसलिए स्वाभाविक रूप से इससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है निर्णय करने की क्षमता। और मैनेजमेंट में आप कितने भी विद्वान हो पर आपके अगर निर्णय करने की क्षमता नहीं होगी तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो पहली बात है कि मैंने सरकारी अधिकारियों को एक एक्रेलिक शीट पर लिखकर एक स्लोगन उनको दिया था, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। फिर धीरे धीरे मैं कहने लगा आई लाइक पीपल हु कैन टेक द रॉन्ग डिसीजंस, बट आई डिसलाइक ऑनेस्ट पीपल हु डोंट वांट टू टेक द डिसीजंस। डिसीजन करना, निर्णय करना, ये मैनेजमेंट की सबसे पहली बात। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है मैनेजमेंट में जो लीडरशिप होती है उसमें टीम वर्क चाहिए। आप अकेले कितने भी विद्वान हो, कितने भी होशियार हो, और आपके साथ अगर आपसे कई दूर अगर रहेंगे तो मजा नहीं आती, काम नहीं। और इसलिए मैं आप में से बहुत से लोग मैथमेटिक्स के एक सिद्धांत को पढ़े भी होंगे कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट वेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। आप उसको कैसे निभाते हो, कैसे लेकर चलते हो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए मैं बहुत बार ऐसा कहता हूं कि कभी कभी खूब बड़े बड़े लोग रहते हैं, उनका नाम बहुत बड़ा होता है, पर उनके नजदीक जाने के बाद पता चलता है कि हम उनको जितना बड़ा समझ रहे थे उतने बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं। और कुछ बार दूर से देखते हैं लोगों को, छोटे लोग होते हैं गांव में, तब उनको लगता है कि ये तो ऐसा ही है, ना पढ़ा लिखा है ना कुछ है, बहुत अनपढ़ आदमी है। पर उस छोटे आदमी के सहवास में रहकर आपको अनुभव होता है कि मैं इसको जितना छोटा समझ रहा था वो उतना छोटा नहीं है, वो बहुत बड़ा है। तो जो परफेक्शन होता है, जो एबिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है, उसके ऊपर किसी की मोनोपोली नहीं है, पेटेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है किसी का। और इसलिए व्यक्ति जो होता है वो प्रोसेस में काम करता है, शिक्षा के साथ, अनुभव के साथ, निर्णयों के साथ, परिस्थिति के साथ वो काम करता है। और जब फेल होता है तो उसमें नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। जो फेलियर होता है वो एक्सपीरियंस है, और ऐसे अनेक एक्सपीरियंस आपके फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ऐसी है कि जो काम करता है, जो रोड पे चलता है, उसका एक्सीडेंट कभी हो भी सकता है। और इसलिए हमारे में से नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम सदिक सर्वोत्तम सर्वोत्तम सर्वाधिक उत्तम अप टू इन्फिनिटी। तो हमारे बीच में हम लोग जैसे हमारी प्रतिमा दौड़ती है, ये दिख रही मेरी प्रतिमा, मैं जितने जोर से दौड़ता हूं उतने जोर से वो दौड़ती है। तो 100% परफेक्शन इज एन इम्पॉसिबल कंसेप्ट। और इसलिए हमारे व्यक्तित्व में, हमारे नेतृत्व में, हमारी मैनेजमेंट में जो लोग है समझते कि मुझे सब कुछ आ गया, वो लोग जीवन में प्रगति और विकास नहीं कर सकते, वो रुक जाते हैं। पर जो समझते कि मुझे और आगे जाना है, तो मैं अपने में से कौन से कमी को ढूंढने का प्रयास करूं और उसको सुधार कर मैं परफेक्शन की ओर कैसे जाऊं, ये अगर आप कोशिश करेंगे तो उसमें धीरे धीरे परफेक्शन और होते होते जाएगा, जिससे आपकी लीडरशिप क्वालिटेटिव बनेगी, प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी, आपको सक्सेस मिलेगा। तो पहली बात तो ऐसी है कि सीखने के लिए छोटे छोटे लोग भी बहुत सी बातें सिखाते हैं और लाइफ में ये अनुभव आपको आते हैं।